IBN 7 हौसला है। चरम पर पहुंच चुका है क्योंकि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं जब यहां पे दिल्ली पर कौन राज करेगा, दिल्ली की जनता के लिए कौन यहां पे नई दिल्ली लेकर आएगा, ये सवाल हम सबके सामने खत्म हो चुका होगा। दिल्ली का चुनावी रण की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से सज चुका है, योद्धा मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने जीत के लिए जी जान भी लगा दी है। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने जीत के लिए दिन रात एक कर दी है, वो लगातार लोगों से मेलजोल बढ़ा रही हैं। मिशन मोड पर निकली किरण बेदी अपने चुनावी क्षेत्र कृष्णानगर में किरण बेदी लगातार लोगों से मिल रही हैं। किरण बेदी अपने चुनावी क्षेत्र के हर एक शख्स से मुलाकात कर रही हैं। रास्ते में उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि तंग गलियों में भी उन्होंने रिक्शे पर बैठकर लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। किरण बेदी को पता है कि दिल्ली जितना है उतना ही उसको सवारा जा सकता है, यहाँ पे तमाम क्षमताएं हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है, इसलिए वो कोशिश में है कि हर वर्ग से जाकर हर एक शख्स से जाकर मिल सके। आपको एकदम पुलिस का यहाँ फायदा ये होगा कि पुलिस आपके बीच में काम करेगी, मिलके काम करेगी। और जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है वो आपको इस सुरक्षा कवच की, मैंने नीचे बनाया है कि महिलाओं का या परिवारों का सुरक्षा कवच। वो कवच क्या है? हर महीने चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो उसके पॉलिटिशियन तो हम हैं, लेकिन जो स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं, पीटीएज हैं, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, स्कूल के प्रिंसिपल, पीटीएस, उसके साथ प्रोसिक्यूशन लीगल लॉ सेक्रेटरी, उसके साथ सुधारने वाला जो प्रिजन का काम है कि कोई निकल के आए जेल से दोबारा बलात्कार ना करे, ये ऐसा होता रहा है। और मैं इसके बारे टीवी डिबेट्स पे बहुत कुछ बोलती थी कि ये जो हो रहा है ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जेल से सुधार का प्रोग्राम होता तो ये दोबारा क्राइम ना करता। हमको जेल को अकाउंटेबल करना पड़ेगा क्योंकि उसका काम था उसको सुधारना। तो ये मीटिंग, ये जो मेन स्टेक होल्डर्स है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में हर महीने होगी। जो भी ऐसे महिलाओं के असुरक्षा के इंसिडेंट्स होंगे उनका मूल्यांकन किया जाएगा और ढूंढा जाएगा कौन जिम्मेवार है इसका। क्या स्कूल का फेलियर था? क्या मां बाप के घर का फेलियर था? क्या कचहरी की डिले का निर्धारता से बचा था? क्या जेल का फेलियर था? डॉक्टर हर्षवर्धन मेडिकल डॉक्टर थे, मैं अब सुरक्षा की डॉक्टर बनने वाली। आज नया नेतृत्व है इस देश में जो देश का भाग्य बदल रहा है, तो अगर दिल्ली का भाग्य नहीं बदलेगा तो देश का भाग्य पूरा नहीं बदलेगा। मैं सिर्फ दिल्ली को अराजकता से बचाने आई हूँ ताकि देश दिल्ली में हाय 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 बोलना हो। और अलग अलग मंचों पर तो आप किरण बेदी को सुन ही रहे होंगे जब वो दिल्ली की जनता से मुखातिब हो रही हैं, लेकिन इसी बीच आज सुबह किरण बेदी ने ट्वीट भी किया है। पहले कर्तव्य की वजह से ऐसा करना पड़ता था, वो कहती हैं, लेकिन अब स्वेच्छा और प्यार से मैं काम कर रही हूँ। सड़क पर सफाई करते कर्मचारियों के बच्चों को देखकर मेरा दिल भर आता है। दुआ कीजिए हमें वो मुकाम मिले कि हम उनके लिए बेहतर कर सकें। और बल्कि सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि आप भी, यानी कि आईबीएन 7 के दर्शक भी दिल्ली चुनावों के मद्देनजर हमारा हिस्सा बन सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। दिल्ली चुनाव से जुड़ी अगर कोई भी दिलचस्प तस्वीर या जानकारी आपके पास है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800661555 8800661555।